जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए इस वीडियो में टॉप देखो लगभग 50 क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020-21 से रिलेटेड। 20 में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण ये 21 में स्थगित किया गया है। 23 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक से अभी तक जो क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो साथियों, कंप्लीटली पूरे वीडियो को देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बड़ा सा प्यारा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। नए साथी अगर कोई है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से आज इस वीडियो में। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के जीके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और बिल्कुल ही हिंदी में। देखो पहला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग ले रहे हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या तो टोक्यो ओलंपिक, दोनों में से कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखना कितने देश, तो 206, याद रखना कुल 206 देश जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श बाइक क्या है। तो साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श बाइक क्या है, तो याद रखना भावनाओं में संयुक्त, ठीक है, यूनाइटेड, देखो यूनाइटेड बाय इमोशंस, याद रखना भावनाओं में संयुक्त, ठीक है, याद रखना ये। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, याद रखना न्यू नेशनल स्टेडियम, न्यू नेशनल स्टेडियम करेक्ट आएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है, तो साथियों याद रखना सकुरा। देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है, तो सकुरा याद रखना, ठीक है। द जापानीज टर्म ऑफ चेरी ब्लॉसम ट्री है ये, एक याद रखना सकुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार कौन है। तो याद रखना सोनी टेन स्पोर्ट्स, ठीक है, सोनी टेन स्पोर्ट्स याद रखना। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, तो याद आपको रखनी है मणिपुर से। भारत की ओर से पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया है, ठीक है, रजत पदक याद रखना। देखो आगे, मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं, तो साथियों याद रखना ये तो आपको पता ही होगा, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था, साथियों पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो याद आपको रखनी है 1924 में। देखो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो यह आपको याद रखनी है 1896 में। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर पूछे कब आयोजित किया गया था, तो 1896 में, और पहला शीतकालीन ओलंपिक अगर पूछे तो याद रखना 1924 में, ये दोनों ही याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो साथियों याद रखना कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मलेश्वरी याद रखना। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था, तो देखिए भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था, तो याद रखना 1928 में। और देखो अभी 1980 के बाद साथियों 1980, देखो 1980 के बाद अभी 2021 में, यानी लगभग 41 वर्ष के बाद भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में पदक जीता है, कोई भी पदक मेडल ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद जीता है, ठीक है, भले ही वो कांस्य पदक ही था लेकिन याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 1900 में, ठीक है। देखो 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेलो 2020 का उद्घाटन समारोह कब हुआ है, तो याद रखना 23 जुलाई 2021 को, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक टोक्यो खेलों का जनक किसे कहा जाता है, साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना पियरे डी देखो कोवर्टिन, ये आप याद रखना पियरे डी
कोवर्टीन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोखोम मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलन टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो याद रखना 49 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है। अभी मैंने बताया वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओलंपिक चिन्ह पर पांच छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, ओलंपिक चिन्ह पर जो पांच छल्ले हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखना पांच महाद्वीप का, पांच महाद्वीप का। देखो, ओलंपिक चिन्ह के पांच अंगूठियां देखो पांच अलग अलग रंगों में है, लाल, हरा, पीला, नीला और कौन सा कलर? तो काले रंग में, याद रखना। देखो, लाल, हरा, पीला, नीला और काला, याद रखना। पहला, रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? रिकॉर्डेड, अभी तो लाइव चलता है ना। पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो याद रखना, पहला रिकॉर्डेड, देखो पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक जो है साथियों 746 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी साथियों को इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फंस जाते हैं, याद रखना 746 ईसा पूर्व में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्पर्धाओं में पदक दिए जाने हैं? तो याद रखना 339 स्पर्धाओं में, ठीक है, याद आपको रखनी है, और 33 खेलों में। ओके, वेरी गुड। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल लौट रहा है इस बार? तो याद रखना बेसबॉल, बेसबॉल यहां करेक्ट आएगा, बेसबॉल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर किया है? तो साथियों देखना, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर किया है? तो याद रखना मिराई टोवा, मिराई टोवा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? तो देखिए, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? तो याद रखना शार्लोट कपूर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्लोट कपूर, याद रखना। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो याद रखना 1920 में, जो कहाँ खेला गया था? एंटवर्पी में, याद रखना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बोल के हैबिट हो गया है, तो याद रखना 1920 एंटवर्पी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भारतीय एथलीट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के उद्घाटन के ध्वजवाहक होंगे? तो याद रखना एक तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो याद आपको रखनी है बी साई प्रणीत, याद रखना। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद आपको रखनी है, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा यूएसए विल सेलर ने, याद रखना, सेनर, ठीक है, यूएसए विल सेनर ने, याद रखना, विल सेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक 2020 या 21 में निशानेबाज में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो चीन से हैं यांग कियान, इनका नाम याद रखना, यांग कियान कहाँ की हैं? तो ये चीन की हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहली बार ओलंपिक 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिंके, ठीक है, जो यूएसए से हैं, कहाँ से हैं? यूएसए से। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखो सॉफ्टबॉल नया जोड़ा गया खेल है, यह किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना जापान ने, जापान करेक्ट आएगा, जापान करेक्ट है साथियों। सभी साथी लाइक कर देना क्लास को, सभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो साथियों, ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज, याद रखना। 2012 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो साथियों याद रखना लंदन में, ठीक है, प्रत्येक चार वर्ष पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2016 में रियो में हुआ था, रियो ओलंपिक ब्राज़ील में, ठीक है। आगे देखो, 2004 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो याद रखना ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर कहाँ हुआ, तो याद रखना जापान में, जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं, तो याद रखना साथियों ओलंपिक छल्ले में 5, देखो ओलंपिक के लोगो में 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है 2021 में, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है अभी, तो थॉमस बाक, याद रखना थॉमस बाक करेक्ट आएगा। देखो टोक्यो यानी टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा, तो साथियों देखना टोक्यो में जो ओलंपिक का आयोजन है ये कब से कब तक होगा, तो याद रखना 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, ठीक है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन होंगे, तो याद रखना मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 6 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखना एंथेस में, एंथेस जो ग्रीस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो याद रखना 4 वर्ष के अंतराल पर। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, तो याद रखना 1920 में। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना IOC, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो याद रखना अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो पेरिस ओलंपिक में, ठीक है पेरिस ओलंपिक याद रखना जो 1900 में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था, तो देखिए भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। याद रखिए सभी, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक किसका, तो एक पर्वत का, याद रखना एक पर्वत का नाम है। आगे देखिए, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो जैसा कि मैंने आपको अभी इसी क्लास में बताया 1928 में। तो साथियों 48 क्वेश्चन ही थी, लगभग 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद साथियों।